विधान का वर्णन चल रहा है, इसमें पदमीमांसा का वर्णन हुआ, अब स्वामित्व का वर्णन करते आगे। स्वामित्व विहम जहन परे बस परे, स्वामित्व दो प्रकार का है, जहन पद विषय और उत्कृष्ट पद विषय। यहाँ पर पद शब्द का अर्थ स्थान समझना चाहिए। एक स्वामित्व जगन पद में होता है, दूसरा स्वामित्व उत्कृष्ट पद में होता है। इस तरह स्वामित्व दो प्रकार का होता है। शंका, अजगन और उत्कृष्ट पद विषय स्वामित्व के साथ स्वामित्व चार प्रकार का क्यों नहीं कहा? समाधान, नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों में उनका अंतर्भाव हो जाता है। यथा उत्कृष्ट स्वामित्व दो प्रकार का है, आदेश उत्कृष्ट, उनमें से समस्त विकल्पों का संग्रह करने वाला वो उत्कृष्ट स्वामित्व है, और विवक्षित विकल्प से अधिक आदेश उत्कृष्ट स्वामित्व है। अनुत्कृष्ट 12 पेज, अनुत्कृष्ट और आदेश उत्कृष्ट इन दोनों का एक अर्थ है। इसी कारण उत्कृष्ट ऐसा कहने पर इन दोनों उत्कृष्टों का ग्रहण हो जाता है। जगन भी दो प्रकार का है, जिसके नीचे और कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता वह ओम जगन्य स्वामित्व है, तथा विवक्षित विकल्प से एक विकल्प आदि से ही आदेश जगन्य स्वामित्व है। उनमें से जगन्य पद ऐसा कहने पर इन दोनों ही जगन्यों का ग्रहण करना चाहिए। सबसे उत्तम जगन्य और बीच के जो है वो अपेक्षित जगन्य, ऊपर की अपेक्षा से नीचे का जो फेर होगा उसको जगन्य, ऐसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट भी लेना। इसलिए स्वामित्व दो प्रकार का ही है, चार प्रकार का नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ स्वामित्व दो प्रकार का कहा गया है या कहा जाएगा, वहाँ वहाँ इसी प्रकार दो भेदों का समर्थन करना चाहिए। सामित्येन उक्तस्य पदे नानावल्येन भावतो उक्तस्य कस्य, स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट पद में भाव से जाना चारों प्रकार के होंगे, लेकिन लास्ट का जो होता है ना,
सबसे लास्ट जो स्पर्धक होगा ना उसके अपेक्षा से वह अनुभव स्थिति का होगा ना, सबसे लास्ट जो स्थिति होती है वो मानी जाती है। यह सूत्र उत्कृष्ट अनुभव को बांधने वाले जीव का लक्षण बतलाता है। विक्लेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभव को नहीं बांधते किंतु पंचेंद्रिय ही बांधते हैं। इस बात के ज्ञापनार्थ सूत्र में पंचेंद्रिय पद का निर्देश किया है। वेग अवगहना एवं गति आदि की व्यवस्था का अभाव बतलाने के लिए भी यहाँ उनका कथन करने पर अन्यतर पद किया है। असंगी का प्रतिषेध करने के लिए संगी पद का निर्देश किया है। साधारण आदि का प्रतिषेध करने के लिए मिथ्या दृष्टि पद का ग्रहण किया है। अपर्याप्त काल में उत्कृष्ट अनुभव का बंध नहीं होता किंतु पर्याप्त काल में उसका बंध होता है। इस बात के ज्ञापनार्थ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त ऐसा कहा है। दर्शनोपयोग के काल में उत्कृष्ट अनुभव का बंध नहीं होता किंतु ज्ञानोपयोग के काल में ही होता है, यह बतलाने के लिए साकार पद का निर्देश किया है। सुप्त अवस्था में उत्कृष्ट अनुभव का बंध नहीं होता किंतु जागृत अवस्था में ही होता है, यह बतलाने के लिए जागृत पद का निर्देश किया है। मंद मंदतर मंदतम तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम के भेद से छह संकलित स्थानों में से छठे संकलित स्थान में वह उत्कृष्ट अनुभव बनता है। यह बनाने के लिए उत्कृष्ट संकलित को प्राप्त ऐसा कहा गया है, वह एक प्रकार का नहीं है क्योंकि यह आदेश उत्कृष्ट और उत्कृष्ट दोनों का ही ग्रहण है। सूत्र में आया हुआ नियमा पर चूंकि मध्य दीपक है अतः नियम से पंचेंद्रिय नियम से सौंगी एवं मिथ्या दृष्टि नियम से सब पर्याप्तियों द्वारा पर्याप्त अवस्था को प्राप्त नियम से साकार उपयोग से संयुक्त नियम से जागृत तथा नियम से उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त ऐसा करना चाहिए। उपर्युक्त विशेषणों से संयुक्त जीव के द्वारा बाध्य के उत्कृष्ट अनुभव का सत्व जिस जीव के होता है उसके ज्ञानावरणी वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, यह उक्त कथन का अभिप्राय है। उसका सत्व इसलिए होता है यह बताने के लिए आगे का सूत्र आया। तम एन्द्रियस्य वा वेन्द्रियस्य वा तेन्द्रियस्य वा चौरेन्द्रियस्य वा पञ्चेन्द्रियस्य वा सन्निस्य वा असन्निस्य वा पादरस्य वा सोमस्य वा पञ्चतस्य वा अपञ्चतस्य वा अन्नदरस्य जीवस्य अन्नद्रव्याय गति वर्तमानस्य तस्य नानावन्यवेन भवतो उपस्था। उसका सत्व एकेन्द्रिय अथवा द्विन्द्रिय अथवा त्रिन्द्रिय अथवा चतुरेन्द्रिय अथवा पंचेन्द्रिय अथवा समन्द्रिय अथवा असन्धि अथवा बादल अथवा सूक्ष्म अथवा पर्याप्त अथवा अपर्याप्त अन्यतर जीव के अन्यतम गति में विद्यमान होने पर होता है। अतः उक्त जीव के ज्ञानावरण की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। अपेक्षा से बांध करके वहां पर उस पर्याय में गया एक इंद्र के पर्याय में तो वहां पर वो सत्व रहेगा ना वहां वो भी उत्कृष्ट सत्व के सामने होते हैं। वह सत्कर्म सूत्र में कही गई एकेंद्रिय से लेकर अपर्याप्त अवस्था तक सब अवस्था विशेषों में पाया जाता है। शंका अन्यत्र बांधे हुए उत्कृष्ट अनुभव की दूसरी जगह संभावना कैसे हो सकती है? समानता यह कोई दोष नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट अनुभव को बांधकर उसका कारण था किए बिना अंतर्मन काल के भीतर एकेंद्रिय जीवों में उत्पन्न हुए जीवों के उत्कृष्ट अनुभव का सत्व पाया जाता है। इस प्रकार इन अवस्था विशेषों में वर्तमान जीव के ज्ञानावरण वेदना भाव से उत्कृष्ट होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। संभाव का कथन क्यों नहीं करते? समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि जो शिष्य स्थान स्पर्धा वर्णना और अभिभाव प्रतिच्छेद के विषय में निपुण नहीं है उसे उपसंहार का कथन करने पर व्यामोह न हो, इस कारण यहाँ उपसंहार का कथन नहीं किया।
अपने तेरे निकल कहलाते हैं और वह अनुकृष्ट भाव लेते हैं। शंका, यह अनुकृष्ट स्थानों की पृथक पृथक कल्पना क्यों नहीं करते हैं? समान नहीं, क्योंकि आगे अनुभाव तालिका में अनुभाव स्थानों का कथन करेंगे। शब्द अनुत अर्थ के
ही उक्त समुच्चय में अर्थ की सिद्धि प्रथम वा शब्द से ही हो जाती है। अतएव द्वितीय वा शब्द को अयोगी केवली का ग्रहण करने के निमित्त समझना चाहिए, अथवा द्वितीय वा शब्द भी उक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए। तो फिर अयोगी केवली का ग्रहण कैसे होता है? ऐसा पूछने पर कहते कि उसका ग्रहण अर्था प्रत्येक से होता है। यथा कृष्ण ने छेद प्रस्ताव और संयोग के मेल का ग्रहण यह प्रकट करता है कि शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घास विशुद्धि केवली समुद्धा तथा योग विरोध से नहीं होता। छेद प्रस्ताव और संयोगी मनस्थानों में स्थिति गान और अनुभाग घास के होने पर भी शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घास वहाँ नहीं होता। यह सिद्ध होने पर स्थिति व अनुभाग से रहे अयोगी मनस्थान में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है। यह अर्थापत्ति से सिद्ध है। स्थितियों में स्थित प्रदेश
उसका उसका उत्कर्षण हो गया होगा, अनुभाग में उत्कर्षण कर रहा है अनुभागित, या स्थिति ऊपर बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं नहीं, वो जो पल्लवों के आश्रय के भाग मंत्र पूर्व सत्ता है, स्थिति सत्व जो है कितनी है, अभी मल्लिकासन का प्रभाव है, तो उसका जो अनुभाग है वो जो अभी नया बांधा गया है उससे परिणत हो जाएगा, ऐसा सब स्थितियों का हो जाएगा। सत्व पूरे में होता है अनुभाग का उत्कर्षण, तो सत्व का पूरे में होता है ना किसी नहीं, लेकिन आगे अभी जो बांधा है वो 12 मंत्र तक के ही पर ये बांधे हैं, निषेक बांधे हैं 12 मंत्र तक के, और ये बार तक है ये सत्व में पल्लवों के आसन है विभाग तक, तो उसका उत्कर्षण, तो उत्कर्षण तो सारे सत्व के स्थितियों का होगा, थोड़े थोड़े निषेकों का थोड़ी ना होता है, ये 12 मंत्र में दे दिया जाएगा ना, यहाँ आगे की इसमें कैसे दिया जाएगा जैसे हम घात करते हैं, तो घात करते समय भी तो सब कहीं लेते हैं, घात जब किया जाता है हाँ द्विस्थानिक रखा, तो सभी का स्थितियों में जितना रखा हुआ उस पूरे का घात करते हैं, तो ऐसे जब उत्कर्षण किया तो सारी स्थितियों में उत्कर्षण हो उसमें नई नई स्पर्धक बनाया, उसको बनाएंगे नया तभी तो उत्कर्षण कहलाएगा, अनुभव का उत्कर्षण। हाँ ये पहले स्पर्धक है तो फिर इसका उस रूप हो गए ना, ये उस शक्ति रूप हो गए, पुराने जो है वो उस शक्ति रूप हो गए, अनुभव का उत्कर्षण हो गया, अब आखिर वहाँ है ही नहीं तुम्हारा, हाँ 12 मंत्र तक के ही निषेक है, फिर उसके ऊपर वो जो पल्लव उनके संख्या पे भाग प्रमाण है वहाँ ही नहीं है, वहाँ उसके मतलब ये इस अनुभव का उसके भिन्न अनुकृष्ट वेदनाएं यह रस कम है, वो उत्कर्षण उसी समय हुआ, 10वें गुणस्तर के अंतिम समय में उसके बाद उत्कर्षण नहीं हुआ, क्योंकि जब बंदे के समय ही उत्कर्षण होता है नियम एवं नाम होता है, इसी प्रकार नाम और गोत्र कर्म के विषय में भी कहना चाहिए, कारण कि यश कीर्ति और उच्च गोत्र का सूक्ष्म सामुदायिक शपथ के अंतिम समय में उत्कृष्ट बंध उपलब्ध होता है, शंका जिस प्रकार उत्कृष्ट संदेश को प्राप्त विद्या दृष्टि के घातिया बंधों के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व दिया गया है, उसी प्रकार इनका क्यों नहीं दिया जाता है, नहीं क्योंकि एक तो विद्या दृष्टि के उत्कृष्ट संकलेश के द्वारा शुभ प्रवृत्तियों का बंध नहीं होता, दूसरे वहां के अशुभ प्रवृत्तियों के अनुभाग तत्व की अपेक्षा भी अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सामुदायिक के द्वारा बांधा गया शुभ प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणा पाया जाता है, इसलिए उन उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व विद्या को प्रस्थान में नहीं दिया जाता, उत्कृष्ट पद में आयु कर्म की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है, यह सूत्र सुगम अन्न तरेण अपमत्त संजलेन सागार जागार तप्पा उद्गमिसुद्धेन बद्धलयम् च सतम संततम् ममत्ति, साकार उपयोग युक्त जागरूक और उसके योग्य विशुद्धि युक्त अन्यतर इस अपमत्त संयम के द्वारा आयु कर्म का बंध होता है और जिसके इसका सत्व होता है, अवगाहना आदि से होने वाली विशेषता का अभाव बतलाने के लिए सूत्र में अन्यतर पद कहा है, सर्वार सिद्धि के होता है ज्यादा, सर्वार सिद्धि के आयु बंधने के तत्व बंध सर्वे गुण स्थान सांगितले सर्वे मध्ये जाला समाप्त होते ना इष्टा पर तुम्हारा ज्यादा विशुद्धि तो ज्यादा अभाव बनते हैं ना, छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है फिर सातवें गुण स्थान में समाप्ति होती है, तो उस समय आयुबंध के तो वहाँ वो आयुबंध का ज्यादा अनुभव बन देगा, सातवें में प्रारंभ हो सकता है, सातवें में भी प्रारंभ हो सकता है, नहीं स्वस्थान नहीं, नहीं।
छठे में प्रारंभ अच्छी तरह से जीवन जी क्षेत्र स्पर्शन का हर एक स्थिति को मानने वाले उसका
सब भजन करेंगे सत्संग जाओगे सब आने के बाद अनुभवी साधी जो अंतर दिया ना मैंने उत्कृष्ट अनुभव का अंतर कितना है वर्ग उद्गम परिवर्तन अंतिम समय में सूक्ष्म सांप्रदायिक के जगह के अनुवाद बंधन को ग्रहण कर वहाँ जगह के
क्योंकि जगत में अनुभव बनने की अपेक्षा वहाँ अनुभव का सत्व अनंत गुण पाया जाता है। अनंत गुण पाया वहाँ मुझे तीतर दावियाँ मिल गई थे। दसवें तुलस स्थान में वहाँ जो बंद हो रहा है वहाँ सस्व जो है अनंत गुण है। समय
अभी पहले भी आए थे ना प्रशस्त प्रभुदेव का अनुभाघात नहीं होता है तो फिर क्या होता है अपने रूप से निर्देश
यह देखकर साता वेदी का उदय नहीं है ऐसा कहा जाता है, परंतु असाता वेदी का यह क्रम नहीं है, क्योंकि तब असाता के परमाणु को अपने रूप से ही निर्जरा पाई जाती है। इस कारण मुक्त रूप फल के अभाव में ही असाता वेदी का उदय मानना युक्ति युक्त है, यह सिद्ध होता है। जीव कर्म के विवेक मात्र फल को देखकर कर्म जो है वो जीव को छोड़कर के अकर्म रूप हो रहे हैं, उसको ही उदय कहा, उदय को फल रूप से स्वीकार किया गया है। शंकर कहते ऐसा है तो असाता वेदने के उदय काल में साता वेदने का उदय नहीं होता, केवल असाता वेदने का ही उदय रहता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने फल को नहीं उत्पन्न करने की अपेक्षा दोनों में ही समानता पाई जाती है। एक काल में एक का ही उदय रहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अलग होना रूप जो फल है वो दोनों में समान ही है ना, मतलब वो जीव से बिना फल दिए मतलब वो निर्जीर्ण हो जाते हैं, तो वहाँ दोनों का उदय एक साथ मानने में क्या विरोध है, ऐसा शंकर क्या करके शंकर है। यदि ऐसा है तो मतलब केवल जीव से अलग होना यही फल है उनका उदय है, तो फिर असाता वेदने के उदय काल में साता वेदने का उदय नहीं होता, केवल असाता वेदने का ही उदय रहता है, केवल ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने फल को नहीं उत्पन्न करने की अपेक्षा दोनों में ही समानता पाई जाती है। समाधान नहीं, क्योंकि तब असाता वेदने के परमाणु के समान साता वेदने के परमाणु की अपने रूप से निर्जरा नहीं होती, किंतु विनाश होने की अवस्था में साता असाता रूप से परिणम कर उनका विनाश होता है, यह देखकर साता वेदने का उदय नहीं है ऐसा कहा जाता है, परंतु असाता वेदने का यह क्रम नहीं है, क्योंकि तब असाता के परमाणु को अपने रूप से भी निर्जरा पाए जाते हैं। इस कारण दुख रूप फल के अभाव में भी असाता वेदने का उदय मानना यही कारण है कि केवली जिनके सुदादी जन्य बाधा का अभाव कहा गया।
सामित्येन चरणपदे मोहनीय वेणा भावो जगन्य कस स्वामी कृते गगन पद में मोहनी की वेणा भाव की अपेक्षा गगन किसके होती है यह सूत्र सुगम है। अन्नग्रस्त खौगस चरिम समय सक साइस दस मोहनीय वेणा वेणा भावो जगन्य अंतिम समय वाली सकशाएं अन्यतर शपथ के मोहनी की वेणा भाव की अपेक्षा जगन्य होती है। अंतर समय अपवर्तना भाग के द्वारा भाग करने से शेष रहे अनुभाग का ग्रहण करने के लिए अंतिम समयवर्ती सकषाय में इस पद का निर्देश किया है। शेष कथन सुगम है। तब अतिरिक्त मजना इससे भी ना उसकी जगन्य वेदना होती है और जगन्य वेदना होती है यह सूत्र सुगम है। अंतर्मुक्त काल तक प्रति समय अपवर्तना घात के द्वारा घात करने से शेष रहे अनुभाव का ग्रहण करने के लिए अंतिम समय वर्षीय सकषाय ने इस पद का निर्देश किया है। बंधन है ना दसवें में, नब्बे तक के बंधन है तो दसवें में क्या होता है कि हर समय उसका अपवर्तना अनुभाव का अपवर्तना घात होता है फिर अंतिम समय में सबसे कम उदय आएगा मतलब सबको कम रहेगा उदय रूप है ना वो शुद्धा दुषादी सर्व